प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास टेंथ के रियल नंबर उसमें एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें देखिए, जो संख्या दो संख्याएं दी गई हैं, अब इसमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। तो इसमें हम लोग जो संख्या छोटी होती है उसी संख्या से भाग देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 135 इज लेस देन 225। अब इसमें 135 छोटा है, 225 बड़ा है, तो 135 से भाग देंगे। 135 डिवाइडेड 225, यानी 225 डिवाइडेड बाय 135। अब इसमें हम लोग एक बार ले जाएंगे और एक बार ले जाने के लिए यहाँ पर लिख देंगे 135 और इसको 5 में से 5 निकालेंगे, 9 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब है कि भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे सूत्र लिख देंगे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य यहाँ पे 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। प्यारे बच्चों, इसको हम तब तक भाग देंगे जब तक कि शेषफल शून्य नहीं हो जाता। और यहाँ पे अब 90 से 135 में भाग देंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम दो बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार ले जाते हैं। और इसमें घटाएंगे तो 45 आएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे 135 बराबर 90 गुणते 1 धन 45। अब 45 से भाग देंगे 90 में, 45 दूना 90, 90 बराबर 45 गुणे 2 धन 0 आ जाएगा, यानी 45 दूना 90, यहाँ पे शेषफल शून्य है। तो यहाँ लिखेंगे अतः, यानी जो राशि जो वैल्यू शेषफल शून्य ले आ देती है जो भाजक, वही उसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः भागफल बराबर 2 शेषफल बराबर 0, इसलिए एच सी एफ 135 / 225 का 45 होगा। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट अब हम लोग हल करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये 38,220 196 से अधिक है,
जो कम वैल्यू होती है उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 198,38,220। तो यहाँ पे आप 196 में अगर भाग दे दीजिए, गुणा कर दीजिए 195 का, या एक बार ले जाइए फिर 9 बार ले जाइए फिर 6 बार ले जाइए 5 बार ले जाइए, या 195 में 196 का गुणा करेंगे तो 38,220 आ जाएगा, और घटाएंगे तो 0। यानी यहाँ पे एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो 38,220 इक्वल टू 196 गुणे 195 धन 0। तो इसमें आप देख रहे हैं कि शेषफल शून्य है, यानी भागफल 195 और शेषफल शून्य। तो ये शेषफल शून्य ले आने का काम कौन किया है, 196। तो यहाँ लिख देंगे अतः एच सी एफ 196,38,220 का जो SCF होगा वो 196 होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि 196 ही ऐसा डिजिट है जो कि इसको शेषफल शून्य ले आने का काम किया है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट हल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 867 इज ग्रेटर देन 255। तो इसमें 867 अधिक है 255 से, तो हम लोग डिवाइड करेंगे 255 से डिवाइड करेंगे, कम वाले से करते हैं 867। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग सबसे पहले तीन बार ले जाते हैं, और जैसे ही आप इसे तीन बार ले जाएंगे तो तीन का इसमें गुणा करेंगे 765, और फिर सात में से पाँच निकालेंगे 2, छः में से 6 गए 0, 8 में 7 गए 1। अब देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 867 बराबर 255 गुणे 3 धन 102। अब इसमें आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि मैंने यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिखा है, फिर यहाँ पे हमें तब तक करना है जब तक कि ये शून्य नहीं आ जाता शेषफल। तो 255, अब इसमें हम लोग ले जाएंगे 2 बार, 2 दूनी 4, 2 में 0 का गुणा 0, 2 एक के 2, घटा दीजिए 1, 5। यहाँ पे एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो आ जाएगा 255 बराबर 102 गुणे 2 धन 51। फिर से 102 में 51 का भाग देंगे तो यहाँ पे तो 2 का अगर गुणा कर दे तो हो जाएगा, यानी 2 बार ले जाएंगे 102 घटाएंगे 0
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है 102 बराबर 51 गुणे 2 धन 0, यानी r बराबर 0, यहाँ पे लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर भी r इज, यानी ये क्रिया तब तक करते हैं जब तक कि r बराबर 0 नहीं आ जाता। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे अतः भागफल कितना है, 2 शेषफल 0, शेषफल 0 और यहाँ लिख देंगे, इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा 867.255। किसको, कौन सा ऐसा डिजिट है जो इसको जीरो ले आया है, 51। प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में सॉल्व करा दिया है आपको। इसमें लिखा गया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इसमें हम ऐसे करेंगे कि उसमें सम भी हो और विषम भी हो, इवन भी हो और ऑड भी हो। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और हमें विषम ही सिद्ध करना है। लेकिन आप देखेंगे जब r बराबर 1, 2, 3 हम रखेंगे 4, 5, तो वहाँ पे हमें सम भी मिलेगा विषम भी, लेकिन हम उसमें से विषम को निकालेंगे, बाकी सम को निकाल देंगे, विषम को रखेंगे। तो मान लेते हैं माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना स्मॉल a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और इसमें आप देख रहे हैं 6q जब लिखा रहे, तो इसे हम b बराबर 6 मान लेते हैं। अब इसमें हम इसको क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे ये हो जाएगा भाज्य 6 भाजक भागफल q, मान लीजिए शेषफल हमें r मिलता है और यहाँ पे r बराबर हम मान लेंगे 0 1 2 3 4 इस तरह इसके 5 डिजिट मान लेते हैं, जितनी की हमें ज़रूरत है वहाँ तक ले लेंगे और आगे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चूँकि हमें ये तीन ही स्टेप हल करने हैं इसलिए हम 5 अंक ले लेते हैं, 2 इसमें सम 3 आ जाएगा और 2, 3 भी सम आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, इतने से चीज़ को भाज्य बराबर सूत्र है ये भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ जो भाज्य है वो क्या है, स्मॉल a भाजक 6 भागफल q और शेषफल r है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें a बराबर 6q प्लस स्मॉल r, तो यहाँ पे इसको हम समीकरण 1 मान लें और इसमें अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें, यहाँ लिखेंगे
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये लिख ले सकते हैं, a इज इक्वल टू 6q+r, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें प्यारे बच्चों देखिए, अगर r बराबर 0 लिखेंगे तो हमें कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी, r बराबर 1, 2, 3 इस तरीके से रख देंगे तो हम लोगों को यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। r बराबर यहाँ a की संख्याएं जो मिलेंगी, यहाँ लिखेंगे a k संभव मान क्रमशः। अब रखिए तो एक एक कितने मान, जीरो रखेंगे तो 6q, यानी r बराबर 0 रखेंगे 6q, r बराबर 1 रखेंगे 6q+1, 2 रखेंगे 6q+2, 3 रखेंगे 6q+3, 4 रखेंगे 6q+4, और 5 रखेंगे 6q+5 के रूप के हो सकते हैं, के रूप के हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये इतने हो गए। अब क्योंकि ये एक विषम पूर्णांक है तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि यह एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है इसलिए। अभी देखिए प्यारे बच्चों, इसमें से कौन कौन सा सम है जरा यहाँ देख लेते हैं। ये जो आप 6q देख रहे हैं, 6q को अगर ऐसे लिख देंगे 2 × 3q, तो ये 2 से विभाज्य है यानी ये सम हो गया। और 6q+2 में अगर 2 कामन लेंगे 3q+1, तो आप देख रहे हैं कि ये 2 जो है इससे विभाज्य है, ये भी सम है। इस तरीके 6q+4 तो हो जाएगा 3q+2, ये भी 2 से विभाज्य होगा। तो इसको छोड़कर हम जितनी भी बची राशियां हैं, जितने भी बचे मान हैं, उन्हीं को हम लिखेंगे। तो लिखेंगे अतः कोई धनात्मक, यहाँ लिखेंगे कि यह 6q+2, 6q+4 के रूप का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों 2 से विभाजित हैं, क्योंकि ये तीनों 2 से विभाजित हैं। अब इसमें जो बचेंगे उसी को लिख देंगे, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3
या 6³ + 5 के रूप की हो सकती है, रूप की हो सकती हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है।